चलोगे जिया? दुकु चलोगे? प्लीज चलोगे? नहीं नो 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 बोलो नो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और मैंने पता है आज क्या मंगवाया है। मैंने आज घर में पहनने के लिए अमेज़ॉन से ही ये कुछ ब्राउज मंगवाई थी। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये घर के लिए यार बहुत मैं अभी ट्राई करूँगी और अगर अच्छी लगी तो फिर मैं और लूँगी। तो न्यू कंपनी है ये, मुझे 550 की या 600 की तीन जो है वो मिली है। तो मैंने मंगवाई, मैं घर के लिए ना बहुत ज़्यादा पैडेड नहीं चाहिए, मुझे लाइट पैडेड चाहिए थी, तो लाइट पैडेड है। तो देखते हैं डालने के बाद कैसी होती है। मैं नहाने जा रही थी तो अगर मेरे को अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो देखेंगे, है ना। पर इसकी बेल्ट भी अच्छी है, थोड़ी मोटी है, थिक बेल्ट होनी चाहिए। आफ्टर डिलीवरी ब्रा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि मैं वेस्ट साइड से ही लेती थी, फिर मैं वेस्ट साइड नहीं जा पाती थी और वेस्ट साइड में मेरे को एकदम कम्फर्टेबल मिलती है। तो इसे मेरे को ऑनलाइन वो ट्राई करके देखते हैं, हमेशा हो नहीं पाता। और वेबसाइट से लाए हुए मुझे 3-4 महीने हो गए, तो मेरे को लगा मंगवा के देख लेते हैं कुछ कंफर्ट के लिए कि मैं कंफर्ट में रहूँ। तो चलिए मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और उसके बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। नहा धोके मैंने सूट पहना है, ये चांदनी चौक से लाए थे, फर्स्ट टाइम पहना है। तो मौसम यहाँ पे बात ना तो गरज रहे, देखते बारिश होती है नहीं। मम्मी आज नहीं निकली हैं बाहर, एक बार मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो पराठे पराठे मैंने ही सेक लिए थे सुबह, मम्मी ने 5 बजे सब्ज़ी रेडी करके रख दी थी क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी बहन का लंच वगैरह पैक करती हूँ वो ऑफिस के लिए। तो उसके बाद से उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। तो अभी वो लेटी ही हुई है सुबह से, मतलब आराम कर रही है। मैं पूजा करी है उसके बाद, मैं पूजा के लिए तो मानी नहीं, उन्होंने नहाई धोई पूजा करी उसके बाद जाके वो लेट गई। और फिर हम लोगों ने पराठे बनाए, खाना खा के रखा है। हाँ पापा, ये भी नीचे रख रहा हूँ मैं, ये बंदर मम्मी कह रही है बंदर आकर तोड़ जाएंगे। किसे? उसी के आ जाएंगे ना बंदर आ मैं। अच्छा वहाँ पापा चेयर के पीछे हवा रख दो, जांच कर। चलो बस बस बस, देखो ये देखो, चल वहाँ चले। ना ना ऊपर चढ़ रही है वो। हाँ अरे डुगू क्यों नहीं चढ़ता है? डुगू ने कोशिश करी, ये डुगू चढ़ता है तो उसका वेट ज्यादा है तो उसे गड़ जाता है। गलत बात है ना, फिर हम अंदर चलते हैं। तुम ऐसा करोगे तो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, चले अंदर। मैं इनको यहाँ ही आई हूँ, तो खेल रहे हैं कि किसी को डिस्टर्ब ना करें। राजा को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, राजा काम कर रहे हैं अपना कुछ, पापा मम्मी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों को ले आई, इनको मस्ती करनी होती है। तो मौसम गर्म है हालांकि, और फिर भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि धूप नहीं है। बज रहे हैं दोपहर के 2:30, बट मौसम लग रहा है सही सही। बच्चा गिर जाओगे तुम, चलो चलोगी देखो, चलोगे चलोगे जिया देखो, चलोगे प्लीज चलोगे? नहीं, पीछे वाले में वो बड़े वाले में खेलेंगे, ये छोटा वाला है ना, चलोगी ना देखो, चलोगे चलोगे? डुगू चलेगा आज, अरे पाव बढ़ाया तो। चलो एक एक करके अंदर चलो, बाय बोलो, इसको भी तो मन नहीं होता। बाय बाबा, बाय बाय बाय। देखो आएगी डुगू, डुगू बाबा आया कर रही बड़ी। आ जाओ, किस किस को लगता है जिया अभी 1 महीने में बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है? मैं जब से यहाँ आई है जिया बहुत बड़ी हो गई है। जिया चलोगी प्लीज? चलो पापा चलो, चलो चलो ना प्लीज, गर्मी लग रही मुझे। चलोगे डुगू? चलोगे? हाँ डुगू अच्छा बच्चा, चलोगी? नहीं ठीक है, चलो डुगू बहुत हो गए तो मैं नहीं, नहीं चलो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैंने ना प्लॉट क्लीन कराया था इनके खेलने के लिए, एक दिन नहीं उतरे ये लोग खेलने के लिए नीचे।
तो अभी क्या बोलते हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है और इनको मैं पीछे वाली बाल्टी में ले, नहीं मिट्टी निकाल के गई है कहीं वहाँ से, मिट्टी अलग कर, नहीं बना यहाँ पे थोड़ा कपड़े सीख रहा है, कपड़े उठा दे गुली 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 गु। हाँ बेटू नो चलो ओ लैम छैम छैम। अमरूद खाने का मन कर रहा है वहाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो बच्चे मिट्टी खाते हुए पकड़ी है। नो ये देखो बस थोड़ा सा हम अमरूद देखने लगे, मिट्टी खाई जल्दी आओ राजा। मैं और डुकू चले अमरूद लेने, आए अमरूद लेके, ये ना बहुत ही प्यारे कच्चे कच्चे से अमरूद रहते हैं जो कि दिखते छोटे साइज के हैं पर होते वो हुआ एकदम फ्रेश, तोड़ के लाएंगे। ओ माय गॉड डुकू घास बहुत ज्यादा हो गई है यार, तो घास वापस से भर गई है बहुत ज्यादा। रुकना डुकू, पता है पतंग का ना मंजा लटका है, बौसल पाती है ना वो तोड़ लेती हैं और फिर अमरूद दिखते नहीं। अरे ये ज़्यादा कच्चे हैं यार, बहुत छोटे हैं। खैर ये रहा एक और, नहीं आओ मैं आ रही नहीं नहीं आ बाबा चल। काफी सारे तोड़ लिए, चलो फ्रेश अमरूद, मज्जा है बेटा मज्जा है, पता नहीं किसकी पतंग आगे कटी है यहाँ पे। चल ले आई बच्चों को छत पे, किधर है राजा? राजा गए हैं पतंग लेने। मम्मा हम लोग हाँ जी भाग रही, आपको नहीं दे रही, आपके पास है ना आपका, तो मैं लोगों को अमरूद दिया है, हालांकि चबाने के बारे बहुत ही अच्छे ना कच्चे कच्चे मीठे मीठे से अमरूद है, एक लाल निकला था, पता है आप बहुत बड़ा अमरूद नहीं लगता, वो इतने इतने से अमरूद पके निकल जाते हैं जो अभी उगी नहीं रहे हैं फिलहाल, पर एकदम फ्रेश फ्रेश खा रहे हैं हम लोग। और आप मेरे पीछे मौसम देख सकते हैं जी, आ डुकू जा बच्चा पार्टी नानी के घर की पूरी एंजॉयमेंट दे रहा है। देखो वो क्या रुक जाओ से, तो छत से हम लोग आ गए थे, बच्चे आज पतंग उड़ाने मतलब राजा ही पतंग उड़ाने नहीं गए आज, तो मैं आ गई थी अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के स्किन केयर के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे दो बेबीज हैं, वैसे मुझे जो व्लॉग्स देख रहे होंगे जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उन्हें पता ही होगा, मतलब पहले हम लोग इंट्रो देते थे कि मेरा नाम चांदनी है और ये है वो, जब से बच्चे हुए तब से सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आई थी, मैं यहाँ पे करने वाली हूँ ये फेशियल, ये मैंने मंगवाया था, मुझे फेशियल की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फेशियल करने वाली हूँ और मैंने ले लिए हैं ये फेशियल के बेस्ट, ये मम्मी का है, तो ये काफ़ी सारी अटैचमेंट है, ऐसी एक अटैचमेंट मुझे है नहीं, तो ये इससे अच्छे से मसाज हो जाएगी जैसे जैसे शुरू करते हैं फेशियल, पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद। तो चाय आ गई थी यहाँ पे और मम्मी लेटी हुई थी, जिया डुगू सोए हुए थे
तो मेरे लिए बेस्ट टाइम था अपनी चाय एंजॉय करने का प्लस अपना फेशियल करने का। तो पहले मुझे लगा कि मैं चाय एंजॉय करती हूँ, तो हम यहाँ पे नमकीन खा रहे थे और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ हेयर कलर आए थे। हमारे घर में हेयर कलर की दुकान सी लगती है, तो यहाँ पे चार गार्नियर के कलर आए थे और मैं ये रेवलॉन का कलर लगाने की सोच रही हूँ, लाइक सोच रही हूँ, अभी सोचा नहीं मैंने पूरी तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उनको जमा रही थी और फिर मम्मी निकाल रही थी यहाँ पे कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर मम्मी डेली लेती हैं, तो यहाँ पे ना फ्रेश कोकोनट वाटर जो आता है उसमें एकदम थोड़ा सा कोकोनट वाटर निकलता है, एकदम थोड़ा सा 70 का एक मिलता है और बहुत ही थोड़ा सा है, टेस्टलेस। तो मम्मी ये वाला मंगवाती हैं अपने लिए कि वो डेली एक जो है वो कंज्यूम कर पाए। तो अमेजोन से मंगवा लेते हैं, आपको रिलायंस में मिल जाएगा, रिलायंस में इसकी बड़ी बड़ी बॉटलें मिलती है, पर मम्मी इसका हिसाब रखती है जैसे कि एक लेनी है डेली, तो उसके हिसाब से मम्मी ये मंगवा लेती है। तो जैसे फ्रिज में अरेंज कर रहे थे, इसी बीच में एक बच्चा मेरा उठ गया था और मम्मी जा रही थी लस्सी बनाने। तो मम्मी लस्सी ले आई थी ठंडी ठंडी, बहुत ही टेस्टी मलाईदार लस्सी। अगर आप घर में माँ के घर में हो तो वो खाने पीने की पूरे टाइम खाती रहोगे। मैं यहाँ पे आके बहुत वेट गेन कर लेती हूँ जो कि आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे जियो को मैं पिला रही थी मीठी लस्सी और उसे बड़ी ही अच्छी लग रही थी ठंडी ठंडी लस्सी, और बच्चों को ना आराम मिल जाता है इस टाइम पे कि अगर उन्हें कुछ ठंडा पिला दिया जाए। तो यहाँ पे उसने लस्सी पी ली थी, फिर मैंने दीपा को बोला कि जिया को देखना मैं थोड़ा फेशियल करना शुरू करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे VLCC का पार्टी ग्लो फेशियल मैं यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे क्लेंजर ले लिया है फर्स्ट स्टेप, और इस ब्रश की हेल्प से बहुत ही इजिली फेशियल हो गया था मेरा। और आखिर में ना मैंने डेड स्किन का जो निकालने का टूल होता है उससे निकाला। तो एक दो फेशियल की वीडियो इस बार शूट करेंगे हम लोग फेस्टिवल से पहले, लाइक स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग जिससे आपको प्रॉपर आ जाए वो वाला, पर थोड़ा टाइम बचे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे अब आई थिंक 2-3 महीने में, और टाइम निकालेंगे है ना। पर अभी मैंने इसी से किया था, काफी अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छी है, बट हल्का हाथ रखिएगा, बहुत स्किन को आपको प्रेशराइज भी नहीं करना है। किसी भी फेशियल का ग्लो 2 दिन में आता है तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि मैं फेशियल करूंगी तो आज के लिए ग्लो टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी अपनी सारा डेड स्किन स्क्रब यूज करके। उसके बाद मैं ले रही हूँ सेफ्रन मसाज जेल एंड मसाज क्रीम, और इन दोनों को मैं साथ में ही अप्लाई करने वाली हूँ अम्मा। उसके बाद फिर ये दोनों स्टेप मैं एक साथ करती हूँ। तो पहले मैंने फेशियल जेल लगाया है, इससे मैं अच्छे से 5 मिनट मसाज करूंगी, इसे स्किन में अब्सॉर्ब होने देंगे। जैसे ये स्किन में अब्सॉर्ब होगा आपको यूज करनी है अपनी मसाज क्रीम या फेस क्रीम जो भी उसमें मेंशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहते हैं ये फेशियल के, ये दो, एक जेल एंड देन, जेल मत अलग करिए, उसके बाद डायरेक्ट जो फेशियल क्रीम है वो अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी से मसाज करना शुरू करूंगी थोड़ा थोड़ा पानी लेके। आपको करना है 15 से 20 मिनट अपने फेस को मसाज, आप चाहे हैंड मसाज करें या ऐसे करें। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, पहले मेरे पास भी था पर फिर बहुत टाइम पहले था, अराउंड 2014-15 में था। फिर मैंने यहाँ फेशियल मास्क जो है वो भी अप्लाई कर लिया था और मेरा फेशियल हो गया। क्या बनाया मम्मी आज? ये चने के दाल। आज बहुत ही सुंदर टेस्टी सुशील दाल बनी है। सुशील चलो आइसक्रीम खाने। हां नहीं खाएंगे बेटा। क्यों? चलो पानी हो गया आज। मम्मी चलो ना पी लेगी। ये मम्मी के बन गए चावल। चलो। और मम्मी आप भी कैसा फील हो रहा है? ठीक है। क्रीम में। अरे बच्चे की नहीं हो? मम्मी आम। बनाया है बुधवार का प्रोग्राम, सब 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 शुद्ध होके सब का हो करके बुधवार का प्रोग्राम है, बाकी मेरा कोशिश का भी वैसे फाइनल नहीं है। पर हम लोग जा रहे हैं, पर मैं एक बात बताना चाहते हैं, हमने क्या गलती करी थी, मैं जब हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे वहाँ से हम लोग क्या गलती करके आए थे, अब वो हम लोग सोचते हैं बड़ी हंसी आती है। अब ये ना महंत होते हैं जो वो चेंज होते रहते हैं बालाजी में, तो किसी से पूछा वहाँ पर दुकानदार से, ये क्या है? अब वहाँ पर जो प्रसाद, मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर मंदिर के अंदर जब जाओगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ प्रसाद के लिए एक जगह बनी हुई है, वहाँ से प्रसाद दिया जाता है। तो वहाँ हमने बाबा से पूछा था प्रसाद दे रहे थे कि बाबा ये प्रसाद हम घर ले जा सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये खा सकते हो और घर भी ले जा सकते हो। हाँ। मैं बोली पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, भाई घर ही ले जा सकते थे, बोले नहीं ऐसे आपकी मामी के साथ कुछ हुआ था। हाँ। बोले नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग ले जा रहे हैं, आप लोग ले जाइए, प्रसाद कुछ नहीं है, भगवान शरद प्रसाद है वो,
तो हम लोग ना सारे केक के डब्बे प्रसाद लेके आए, और ये नहीं कि भाई हमने रास्ते में नहीं खाया, रास्ते में खाया, बांटा भी आके फ्रिज में भी रख दिया था भाई किसी को देना, सात पाँच सात दिन पड़ा। जबलपुर भी लेके गई हूँ, और शिवानी आई हुई थी। हाँ। तो ये लोग भाई जबलपुर डब्बे लेके गए, डब्बे जबलपुर ले गई है। कहते हैं कि प्रसाद के साथ है, धाम है बड़ा भगवान का, लेकिन प्रसाद ही लेके जाते हैं वहाँ से, कहते हैं कि वहाँ से प्रसाद लेके नहीं तो खाया जाता है नहीं लाया जाता है, और हमने वो दोनों काम करे। और हम मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि भाई हो सकता है, कहते हैं कि प्रसाद के साथ आ जाती हैं चीज़ें, जैसे हम कोई मेकअप का सामान लेके गए हैं, मेकअप ही लेके जाओ तो फेंक के आओ। मैं बता रही हूँ, हम ना शिवा इतना ढेर मेकअप सामान लेके गई, दीपा भी ले गई थी, लाई भी है ना, नहीं, नहीं 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 कुछ भी नहीं, वो तो हम सारा फेंक किया है, लेकिन प्रसाद। अच्छा, हाँ, मैं जिस टाइम अभी नेक्स्ट उसमें गई थी 2013-14 में जब मैं गई थी, हाँ, तो ज्यादा लिपस्टिक नहीं थी मेरे पास कुछ, तो मैं एक पेपर में ऐसे लगा के लेके गई थी, पेपर का पेपर फेंक, तो सारा मतलब मेकअप का सारा हम लोगों ने फेंका था, लेकिन प्रसाद लेके आए थे। और एक चीज और बालाजी के बारे में बताती हूँ आपको, वहाँ किसी के जैसे भाई ये दुखी हैं जिसके ऊपर ये आती है, ओबीसी होते हैं, इनके ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए, ना ही इन्हें कभी मुड़ के देखना चाहिए, ना ही इनसे कभी बात करनी चाहिए, कहते हैं। हाँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं शिवानी के साथ गई थी 2013 में, ना 2013 में गई थी, 2013 में मैं गई थी शिवानी के साथ, हम लोग गए हुए थे। तो जब हम दर्शन करके धाम से बाहर निकले हैं, तो वहाँ मैंने एक लेडीज देखी है, और वो बैठ के ना जैसे उसे वॉमिटिंग उल्टी टाइप आ रही है, और वो ना बार वो ऐसे कर रही है, तो मैं कह रही हूँ उसे उल्टी नहीं आ रही है, उबकाई आ रही उसे अंदर से ना बहुत बहुत ज़्यादा बहुत परेशान थी, मतलब खिंच के उबकाई ले रही है, उल्टी कर रही है। तो मैंने वैसे ही मजाक कर दी, मुझे अब नहीं पता था कि इन चीज़ों का मजाक नहीं होता, मैं वैसे ही कह रहा नहीं, पर वो कुछ अलग करते हैं ना, वो कुछ और ही अलग कर रही थी वॉमिटिंग वाला, हमें वो नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है कि वो तो इस तरह से भी करवा सकते हैं इनसे ये चीज़ें। तो जब हम बाहर निकल के आए तो खाली अकेली बैठी है वो, और उबकाई लेके उल्टी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उल्टी से नहीं आ रही है, बहुत देर तक देखते रहे, मुड़ के देखा हमने, फिर एक जगह मैंने बोल भी दिया ये चीज़ की, बस वो आप लगाओ एक मिनट, बस वही एक आप लगाओ, खाली मैंने इतना शब्द बोला था, उसके बाद बस थोड़े से ही आगे चले हैं, और मुझे ना ऐसा लगा जैसे मेरा बहुत सिर भारी हो गया है, और मेरा ना जैसे उल्टी का जी आ रहा है, उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है। तब सबने यही कहा कि अभी तक ठीक ही, खाना भी नहीं खाया उस दिन मैंने वहाँ पे, क्योंकि इच्छा ही नहीं थी कि उल्टी का जी हो रहा है, खाना कैसे खाऊँ, इन लोगों ने खाना खाया, मैंने खाना भी नहीं खाया, एक टुकड़ा लिया होगा नहीं खाया। फिर उसके बाद में शाम के टाइम भी फिर आ गए धर्मशाला आ गए हम लोग, वहाँ हमने आराम करा, मेरी उल्टी नहीं बंद हुई है, मेरे सिर में दर्द और उल्टी नहीं बंद हुई है। फिर शाम को 1-4 बजे फिर जाना वहाँ मंदिर के पट खुलते दर्शन के लिए, भाई जिसमें ऊपरी चीज़ होती है तो वहाँ उस तेल में लगा के बैठाया जाता है वहाँ पे। तो मेरी भाभी और भाई और शिवानी राजा सास शिवानी की ये लोग गए हुए थे, बड़ी बहन भी गई थी, आप नहीं गई हैं ना, उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी, जो लेडीज प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, और मेरी तबीयत इसलिए खराब हो गई कि भाई मैं मतलब सिर में उल्टी का जी हो रहा है, और दीपा मेरी वजह से नहीं गई कि मम्मी नहीं जा रही है तो मैं भी नहीं जाऊँगी, और मेरे उल्टी बंद होने का नाम ले रही है। फिर शिवा ये लोग दर्शन करके शाम को आ गए, लोग शाम को दर्शन करके आ गए, फिर हमारे अच्छा, शाम को याद आया कि अपने फिर शाम को ही हम लोग निकलने के लिए आ गए, निकल गए भाई अपने घर के लिए आ गए, हम घर आने लगे। मैं बता रही हूँ आपको भरतपुर तक, भरतपुर से आ गए थे क्या हम लोग, गए ना, फिर कौन से वहाँ नहीं गए थे, ऊपर ना गए, जो ऊपर नहीं गए पहाड़ी मंदिर है जो वहाँ नहीं गए थे, बाकी वो जो ऊपर थोड़ी चढ़ के मार्केट में अंदर पड़ता मंदिर वहाँ भी जहाँ भूतों को जलेबी खिलाते हैं, लड्डू खिला के खेला जाता है ना, ढोल बजते हैं, वहाँ तक गए थे हम लोग। फिर शाम को जब लोग मंदिर से आ गए तभी हम लोग अपने घर के लिए निकल लिए, प्रसाद एक तो हमारे पास में, और दूसरा मेरा उसी के बाद मेरे उल्टी नहीं बंद हो रही जो मैंने उसके ऊपर खाली इतना ढूंढा था, और ये भी नहीं है दिमाग में नहीं आया इतना उल्टी क्यों लग रही है, हमने सोचे वैसे ही है भाई खाए पिए के मुझे हो भी जाती है। इस वजह से भरतपुर तक पहुँच गए, भरतपुर वहाँ से भरतपुर तक पहुँचे, उस टाइम भी आगे पहुँच गए लेकिन उल्टी नहीं बंद हुई। फिर एक जगह खेत में गाड़ी रुकाई है उल्टी करने के लिए, जैसा है कि पूरा मैंने की रुका दो गाड़ी एक बार, मेरे जो भी पेट में है ना मैं सारा निकाल दूंगी, मैं जब मेरी थोड़ी शांति होगी तब, और मेरे को गाड़ी से नीचे उतारा है, मेरे को भी वही हालत,
जो उस औरत की है तो वो हो रहा है पर उल्टी नहीं आ रही है, उबकाई पे उबकाई, ऐसा लगे जैसे पूरा पूरी नस वो आत ना सारी खिंच गई मेरी उल्टी करते करते, उल्टी नहीं आ रही है। तभी की तभी मेरे दिमाग में कहते हैं जब कोई झूठ चुप होते भगवान याद भी दिलाते हैं उस चीज को, तभी की तभी मेरे को याद आई भगवान जी माफ कर दिया मैंने वो जो लेडीज थी उसका गलत मजाक कर दिया, अगर कोई गलत अगर मेरे से कोई गलत मजाक हुआ है ना बालाजी महाराज मैं आपसे माफी मांग रही हूँ मैंने ये कही है। उस टाइम किसी पे एक भी गोली नहीं ना, वो गाड़ी वाले को याद आ रही है कि उस पर कोई गोली है। फिर जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी है बाबा से कि बाबा माफ कर दी हूँ, तभी गाड़ी वाला बोला मेरे पे कॉमी फ्लेम की गोली भी है, वो पता है कॉमी फ्लेम गोली पेट में कुछ भी नहीं एक कॉमी फ्लेम की गोली है भाई बहनजी आप ले लो। तभी की तभी गाड़ी में बैठ के मैंने कॉमी फ्लेम गोली ली है, उसके बाद से मैं घर तक नॉर्मल हो गया। उससे पहले ना भगवान ने मेरे दिमाग में आई ना मैंने नहीं आई वो चीज़ अभी मतलब वहाँ पे मुझे इतना नहीं पता था, मैं तो वैसे एकदम देखा मुड़ के कभी भी बालाजी के दर्शन करके आते हो ना तब भी मंदिर तरफ मुड़ के मत देखना, मतलब अपने आगे जैसे कहते हैं ना कई बार कोई ताले नहीं टच करते हैं वहाँ का, ब्लैक कपड़ा नहीं टच करते, कुछ कुछ मन्नतें होती हैं वो टच नहीं करते, धागे टच नहीं देखते हैं, रोगियों का मजाक नहीं उड़ाना है और किसी फन पर्पस से ऐसे रिकॉर्ड करके किसी को वीडियो भेजो कि कहने लगी थी कि ये कर क्यों नहीं रही है। रात में पता नहीं कहाँ व्लॉग किया है मैंने, कोई याद नहीं है। कल रात को क्या हुआ, मम्मी खाना नहीं खा रही थी जो राजा ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, तो फिर मम्मी ने एक स्लाइस पिज्ज़ा लिया है और राजा को ही पिज्ज़ा खाना था, इन लोगों ने पिज्ज़ा खाया, मैंने एक स्लाइस पिज्ज़ा और मम्मी ने बनाया था लौकी चने की दाल और चावल। तो पता नहीं मेरा व्लॉग यहीं पर आके एंड होता है बस, क्योंकि मेरे को ना बात करने के लिए पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाती आज, क्योंकि बच्चे यार सब ऐसे जिया उठी हुई थी, इतनी मुश्किल से मैं वॉशरूम गई हूँ एंड देन क्या जब सुबह उठती है ना वो राजा के पास जाती है और राजा के पास नहीं जा रही तब भूल जाइए कि वो मम्मी पापा के पास में भी रुकेगी, तो वो लोग कोशिश करते पर वो जाती रही है। तो वॉशरूम जाना मेरा आज कल इतना मुश्किल कर दिया है, करवट लेना मैं जहाँ करवट लेती हूँ ना उसे पता चल जाता है, और वो इतना इतना रात में रो रही थी मम्मी, सुबह मुझसे पूछ रही थी कि रो क्यों रही थी, मैंने बोला कि मम्मी मैं उसको पीठ दिखा के नहीं सो सकती हूँ, और अगर डुगू भी उस टाइम पे जगह है या डुगू की नींद खुल गई तो डुगू को ही पीठ दिखा के नहीं सो सकती, तो मुझे स्ट्रेट सोना पड़ता है, मेरी कमर इतना गंदा दर्द हो रही है एक दो दिन से कि पूछे मत। और ये मेरा फेशियल मैंने कल किया था, रिजल्ट अच्छे हैं और मेरे से आप लोग पूछ रहे थे ग्लाइको सिक्स है ना वो मैं दवाई फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस वो जो दवाई है उसका मैं प्रॉपर रिव्यू करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो है ना, और मैं उसे एकदम कंटिन्यूटी में नहीं लगा रही हूँ, पहले तो हर दिन नहीं लगा रही हूँ, मैं अल्टरनेट लगा रही हूँ, दो दिन छोड़ के लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने दो दिन कंटिन्यूटी में लगाया था उसे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी स्किन ना ड्राई सी हो गई थी, मैंने फेस वॉश किया था कल परसों और मेरे को इतना ज़्यादा स्किन में खिंचाव हो रहा था जैसे पता नहीं कितनी ड्राई हो गई, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और तो इसलिए फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो उसमें आया कि एकदम से ना बहुत लगातार नहीं लगाना चाहिए, लाइक अ पीस साइज लेके उसे पूरे फेस पे जहाँ पे भी है आ रहा था, पिगमेंटेशन भी सही हो जाती है, तो मैं पिगमेंटेशन पे फिलहाल अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सुना है पिगमेंटेशन एक्ने मार्क एक्ने उसे सही होते हैं, बट मैं भी ट्राई कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती हूँ, पर हाँ ऐसा होता है, और कुछ लोग यूज़ कर लूँ उसे और रिजल्ट दिख जाए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको कमेंट आ रहा था आपको PCOD हो गया आपके पिम्पल्स ये सब हो रहे हैं, यार हो सकता है मुझे अभी तक तो नहीं था, नॉट बिफोर प्रेगनेंसी डिलीवरी कुछ भी ऐसा नहीं था, हो सकता है मुझे नहीं पता क्योंकि दो तीन महीने से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे जाना है एक बार अपनी ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊँगी, मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी, वो मेरे को बहुत ट्रस्टेबल लगती है, और यहाँ पे जो लम्ब्स है ना वो भी दिखा के तो। और जो कल मम्मी ने आप लोगों को बातें बताई हैं, अगर आप बालाजी जाने का प्लान आउट कर रहे हैं तो उस चीज़ों को लेके थोड़ा सा सीरियस रहे, बहुत सीरियस बात है, हम लोग ले आए थे प्रसाद, उन लोगों ने मस्त फ्रिज में रखा है बालाजी के, उस टाइम पे मैं जबलपुर लेके गई हूँ, मस्त फ्रिज में रखा हुआ था हम लोग के लड्डू वड्डू, उसके बाद जब हम लोग ले आए फिर हमें बाद में बताया गया कि यार नहीं लाते हैं मेहंदी, पर बालाजी मेहंदी मिलती है, मेहंदी भी खरीदे थे तो वहाँ पर मना कर दिया था किसी ने कि मेहंदी मत लेके जाना,
लेकिन मेहंदी बहुत सारी मिलती है, पता है आपको, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मेकअप वेकअप बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने आप लोगों को बताई है, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अगर आप लोग सोच रहे हैं जाने की तो वो ज़रूर करिएगा, और कहीं बड़ा मौका तो बताएंगे। वैसे यार बहुत अजीब सी बात लगी है ना, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर चलिए पाएगा।